हेलो गाइज, इट्स योर बॉय हरीश। और फाइनली हर साल की तरह इस साल भी ऑस्कर के जो नॉमिनेशन है इंडिया की तरफ से कौन सी मूवीज आ रही है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के लिए, तो उनका नाम भी आ चुका है। एंड इसके अंदर हमको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि यार RRR या कश्मीर फाइल जैसी मूवीज को मतलब भेज जाएगा ऑस्कर में। एंड RRR का तो लोग लगा रहे थे कि भाई ये तो जीतने वाली है, और RRR जैसी मूवीज को तो इंटरनेशनली भाई कितना मतलब प्यार मिला। मतलब मूवीज OTT पर आने के बाद भी मतलब लगातार ट्रेंडिंग में जा रही थी। एंड मतलब इंटरनेशनल के जितने भी मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी मतलब बड़े बड़े क्रिएटर हैं ना, उन्होंने मतलब कहा कि यार क्या मूवी है, मतलब उन्होंने भी मूवी की तारीफ की। तो सबको लग रहा था कि भाई इस बार RRR छापेगी एंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर वो लेके आएगी। लेकिन किसने सोचा था कि भाई ऐसी मूवी जिसका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, 2021 में मूवी रिलीज हुई एंड उसका मैंने नाम तक नहीं सुना अभी तक, उस मूवी को उन्होंने भेज दिया ऑस्कर के लिए। एंड उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा कि यार आप बोलोगे कि जिस मूवी का आपने नाम भी नहीं सुना उसको उन्होंने ऑस्कर के लिए क्यों भेजा है, क्योंकि मतलब जो है ना ऑस्कर के लिए जो मूवीज ना सेलेक्ट करते हैं ना, मेरे को लगता है कौन सा नशा करके बैठे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं यार ये लोग, और बोलते हैं कि इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा। तो उस मूवी का नाम है छेलोसो एंड इसका मतलब इंग्लिश नाम लास्ट फिल्म शो है, मतलब कि एक गुजराती मूवी है। एंड ये भी मतलब बोलूं तो एक रीमेक है, कोई भी बॉयकॉट कोई नहीं करेगा भाई, रीमेक है तो क्या हुआ भाई, किस मूवी का रीमेक है, तुम सुनकर एकदम ना वैसे शॉक हो जाओगे भाई कि इसका मेन रीजन ऑस्कर में भेजे जाने का पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। 1988 में एक मूवी आई थी सिनेमा पैराडिसो नाम से, मतलब ये इटालियन मूवी है एंड इस मूवी को ऑस्कर मिला था 1989 में। एंड इस मूवी को 1989 के अंदर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का ऑस्कर मिला था। तो फिर उन्होंने सोचा, गुजराती लोग उनको पता है धंधा करना, उनको आता है बिजनेस, तो वो जानते हैं कि यार इस मूवी को ऑस्कर मिला हुआ है 1989 में, इसको पूरा पूरा रीमेक बनाते हैं एंड इसको हम ऑस्कर में भेजने का ट्राई करेंगे। एंड जिन्होंने मतलब इस मूवी को सिलेक्ट किया ना, उन्होंने भी यही चीज देखा कि यार इस मूवी को मतलब जिस मूवी का जिन्होंने रीमेक बनाया उसको ऑस्कर मिला तो क्या पता है इसको भी मिल जाए, लेकिन उन्होंने शायद कैटेगरी नहीं देखी यार, समझ रहे हो ना, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑस्कर उसको नहीं मिला था, उसको सिर्फ लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज का मिला था। अबे अब हाँ भाई गुजराती में ठीक है बनाया हो, लेकिन यार नहीं, चलो वो तो छोड़ो, चाहे कैसी भी मूवी हो कौन सी लैंग्वेज में हो किसकी भी रीमेक हो वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको कम से कम पता तो चलना चाहिए ना मूवी कैसी बनी है। मैंने सोचा ठीक है भाई ऑलरेडी पर देखते हैं कहीं पे मिल जाएगी हमको, 2021 है, एक साल हो गया मूवी आए हुए, अभी तो मिल जानी चाहिए। मैंने ऑलरेडी पर सब कुछ देख लिया, कहीं पे भी नहीं मिली भाई साहब अभी तक ऑलरेडी पर मूवी नहीं आई। तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, ऑलरेडी पर मूवी आई थी लेकिन इनके कुछ प्लान थे, आपको पता ही है गुजराती दिमाग, तो भाई साहब इन्होंने री रिलीज किया इस मूवी को, मतलब अगले महीने करने वाले हैं री रिलीज मूवी को, एंड इसीलिए उन्होंने मतलब ऑटिस्टी से इस मूवी को हटा दिया है। एंड ये मेरे को लगा कि यार मूवी देखनी तो चाहिए भाई, ऑस्कर में मूवी जा रही है कम से कम हम देख तो लेते, लेकिन नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, हम नहीं देख पाए उस मूवी को। एंड अब तो ट्रेलर देख के राजी हो जाओ भाई, क्या करें यार। तो मैंने आपको रीजन तो बता ही दिया कि यार इन्होंने इस मूवी को क्यों भेजा ऑस्कर के लिए। एंड देखो यार RRR जैसी मूवीज है ना, एंड कश्मीर फाइल जैसी मूवीज भाई साहब बहुत कम बनती है यार, ऐसी मूवीज ना 10 सालों में एक दशक में एक बार बनती है, ऐसे हर बार आप ऐसी मूवीज नहीं बना सकते। और RRR ने तो कितना नाम कमाया भाई साहब, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम भी यही हुआ था, लेकिन उसके अंदर मतलब आप समझ नहीं रहे हो, ऑस्कर के अंदर आप फैन को नहीं मानते, वो लोग वहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना उनकी सुनते हैं। एंड मेरे को तो नहीं लगता है कि यार अब होप है यार, होप्स कि यार मूवी अच्छा करेगी एंड सिलेक्ट हो जाएगी एंड ऑस्कर जीत के आएगी, मैं सब मानता हूँ, मेरी होप है कि हाँ जीत जाए। एंड अभी भी मतलब RRR के लिए चांस है, आप टेंशन मत लो कि यार RRR मूवी यार जीतेगी नहीं, ऑस्कर जीत सकती है अभी भी चांस है, क्योंकि अभी बहुत सारी कैटेगरीज बाकी है, लेकिन जो इंटरनेशनल फिल्म के लिए जो कैटेगरी होती है उसके अंदर अब नहीं जा पाएगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो चांस तो है कहीं ना कहीं कि यार मिल सकता है ऑस्कर। एंड किस चीज़ के लिए मिलेगा, मतलब देखो यार मूवी के अंदर VFX थे, डायरेक्शन मूवी का बहुत अच्छा था, एक्टिंग VFX तो आपको पता ही है कितना अच्छा होता है यार हमारे, यार मतलब ऐसा तरह जमुन सर ने तो फाड़ दिया सर। आपने कभी सोचा 95 ईयर हो चुके हैं ऑस्कर को मतलब हर साल होते हुए, एंड अभी तक इंडिया ने सिर्फ 5 ऑस्कर जीते हैं यार, सिर्फ 5 ऑस्कर, उनमें से भी बहुत सारी मूवीज वो इंडिया की नहीं थी, वो ब्रिटिश मूवीज थी, मतलब आप देखते हो गांधी मूवी हो सकती है या फिर स्लिम डॉग बिलियनेयर बोल सकते हो, वो इंडिया की मूवीज कम थी यार, लेकिन फिर भी मतलब ऑस्कर तो मिले हैं कुछ ना कुछ, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया के पास 5 ऑस्कर तो है, बट क्या कर सकते हैं यार, RRR को उम्मीद थी, मेरे को लगा था कि इस बार अच्छा करेगी, एंड सब जगह तो चल रहा था यार कि RRR 4 ऑस्कर, पर क्या करें यार, अभी भी चांस है, टेंशन भी ले रहा हूँ, होप क्यों आ रहे भाई, चांस है तो होगा कुछ ना कुछ तो होगा। एंड एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को बहुत बड़ी ये लगी कि मैंने 2 बार वीडियो अपलोड किया था अपने रिएक्शन वाले चैनल पर, जो कोई डॉक्टर जी नाम से कोई मूवी का ट्रेलर आता है आयुष्मान खुराना की मूवी, तो मैंने उसका रिएक्शन वीडियो डाला भाई साहब, 2 बार ब्लॉक कर दिया मेरे वीडियो को, कॉपीराइट क्लेम नहीं सीधा ही ब्लॉक, वीडियो को तुम चला ही नहीं सकते। मैंने उसको रीएडिट करके फिर से मतलब उसको फ्लिप करके मतलब किसे भी करके उसके वॉइस बहुत ज्यादा डाउन करके
फिर अपलोड किया, फिर ब्लॉक। एक तो आपकी मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं भाई, हम चला रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं और तुम ब्लॉक किए जा रहे हो। भाई मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है, मैं उसके ऊपर अभी रोस्ट वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्या करें यार, मैंने सोचा ऑस्कर का बना देते हैं। तो वो सब छोड़ो यार, मेरे को उस चीज़ बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा, कल सुबह आएगा उसका वीडियो, देख लेना। आपके क्या विचार है कि यार आरआरआर को जाना चाहिए ऑस्कर के लिए, या फिर और कोई मूवीज आपके मतलब दिमाग में है कि यार ये भी मूवी जा सकती थी, तो हाँ उनका नाम मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो कर दो यार। तो बस मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।